मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिन्हा, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार राज्य रक्त अधिकोष से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। वर्तमान में माँ ब्लड सेंटर दरियापुर गोला में काम कर रहा हूँ। रक्तदान 1900 के पहले ब्लड ग्रुप पता ही नहीं था लोगों को। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में उन्होंने एबीओ ग्रुप का डिस्कवरी किया, वो बेस वही है ब्लड चढ़ाने का। और 1940 में आरएच ग्रुप आया और उन्हीं के जन्मदिन पे ये विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उनका जन्म है 14 जून 1868 में वो पैदा हुए थे। 1930 में उनको इस पर नोबेल प्राइज मिला। 1943 में यूएसए में उनका डेथ हो गया। इसलिए फादर ऑफ ब्लड बैंक वर्ल्ड का कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने एबीओ की डिस्कवरी की। जहाँ तक रक्तदान का सवाल है, प्रत्येक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। जो इस धरा पे आया है उनकी मृत्यु तय है, लेकिन हम नहीं जानते हैं हम लोग कि वो कब दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन जो ब्लड का भिन्न भिन्न समय में डेथ होता है, मैक्सिमम आरबीसी का डेथ 120 दिन में हो जाता है। यदि आप नहीं भी दीजिएगा तो 120वां दिन उसका आपके शरीर में डेथ हो जाएगा। लोगों को ये भ्रांति है कि जो एक बार ब्लड बना सो जिंदगी भर चलते रहेगा, और ब्लड देने से फायदा ही फायदा है, कोई हानि नहीं है। पहली फायदा है 5 बीमारी का उनका फ्री में जांच हो जाएगा, जो है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस, जिसमें कुछ बीमारी तो ठीक होने वाला है, कुछ बीमारी का अभी तक इलाज नहीं निकला है, जैसे एचआईवी का, अब वो जानलेवा है। और रक्त दीजिएगा तो आपको भी संतुष्टि होगी, नया नया रक्त बनेगा और किसी की जिंदगी बचाइएगा। पहले था एक यूनिट से एक ही व्यक्ति की जान बचती थी, लेकिन अब एक से कम 4-5 आदमी का जिंदगी बचाई जा सकती है। कोई भी स्वस्थ आदमी जिसका वजन कम से कम 45 केजी है और हेमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 12.5 ग्राम है, तो वो हर 3 महीने पर पुरुष रक्तदान कर सकते हैं और महिला 4 महीने पर रक्तदान कर सकती है। ये रक्तदान विज्ञान सम्मत है, ये नहीं है कि आपके शरीर को कुछ हानि होने जा रहा है। और जो ऐसा देखा गया है कि जो साल में कम से कम 2-3 बार रक्तदान करते हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम जाती है। इसलिए फायदा ही फायदा है, किसी की ज़िंदगी बचाइएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आदमी ट्रेन से जा रहा है या बस से जा रहा है, अकेले है, एक्सीडेंट हो गया, तो जब तक समाज ब्लड नहीं देगा तो उनको ब्लड की आवश्यकता होगा तो कहाँ से आएगा। इसलिए ब्लड देना समाज की दायित्व है और देना चाहिए। बहुत सारे देश में रक्त बराबर लोग दान से ही देते हैं। हमारे यहाँ भी पहले हम देखे हैं इसको कि पेशवर रक्तदाता से ब्लड लिया जाता था, अब तो करीब बंद हो गया है और अब समाज के लोग देने लगे हैं। लेकिन और देने की ज़रूरत है, जिसमें जो मरीज आए उनको उनके अभिभावक से हम लोग ना लेकर के सीधे आए, उनको हम लोग रक्त की आपूर्ति कर दें जिनको ज़रूरत है, जिससे उनकी ज़िंदगी बचाने में समय कम लगे और एक्सीडेंट हो या कहीं कुछ हो जाए जिसमें कि ब्लड की जरूरत है तो तुरंत उनको उपलब्ध कराया जाए। कल 14 जून को हम लोगों ने भी आईएएस भवन पटना में, एयरपोर्ट के बगल में ही है, वहां रक्तदान शिविर माँ ब्लड सेंटर की तरफ से लगाया गया है। आपसे अनुरोध करते हैं कि वहां अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप लोग रक्त दीजिए, और सारे रक्त का हम लोग क्रॉस मैच जेल टेक्नोलॉजी से करते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक रक्त दीजिए और मानव की सेवा करिए। रक्तदान महादान।